हाय फ्रेंड्स। तो आज की कहानी एकदम कच्ची है, और कच्ची इसलिए क्योंकि ये कहीं से भी किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है। ना इसमें कोई हीरो है, ना कोई घटना है, ना ही कोई सस्पेंस है, और ना ही एंड है। हाँ, बस एक चीज़ इस कहानी में ज़रूर है, और वो है शिक्षा, लेसन। तो बात है कुछ महीनों पहले की, जब ये कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम हो गए थे, देश अनलॉक हो रहा था, लोग बाहर जाने लगे थे। मैं भी ग्रोसरी का सामान लेने जनरल स्टोर पे पहुंच गया। आते समय मुझे लगा कि कोशिश करते हैं कि किसी भीड़ भाड़ के रास्ते से जाने की बजाय किसी अनकॉमन कम भीड़ वाले रास्ते से चलते हैं। उस अनकॉमन से रास्ते पर जाते हुए मुझे एक डॉगी मिला। अब अक्सर आपको डॉग्स ऐसे समय पर मिलते हैं जब आप उनके लिए कुछ खास नहीं कर सकते। वो आपकी तरफ देखते हैं कि तू वही है ना जो अपने को डॉग्स का दोस्त कहता है। हाँ, तो पेप्सी भी मुझे देखकर ऐसा ही कह रही थी, पर मैं, मेरे तो दोनों हाथों में घर का सामान था, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह मैंने उसे इग्नोर किया और घर चला गया। कुछ देर बाद मन में कुछ हुआ और अपनी पॉकेट्स में डॉग फूड भर के मैं चल दिया पेप्सी से मिलने। पेप्सी से मिलने पर एक जानी पहचानी सी फीलिंग आई, जानी पहचानी सी आँखें, जाने पहचाने से एक्सप्रेशंस और जानी पहचानी दिखावट। उसे देखते ही मुझे लगा कि मैं तो चौको को देख रहा हूँ, पर चौको का कलर ही तो चौको है और इसका डार्क है एकदम पेप्सी जैसा। तो पेप्सी, यही नाम रख दिया इसका उसी वक्त। अच्छा था। अरे अरे अरे, हालत ऐसी हो जाती है ना बिना केयर के। देखो कौन कौन चौको मांग रहा था, किसे चाहिए, ऐसे कुत्ते ढूंढो। इसे देखकर याद आया कि एक लेडी ने मुझे बताया था कि चौको के भाई बहन अडॉप्ट हो गए थे और बस फीमेल्स रह गए थे। तो क्या पता ये चौको की सिस्टर ही हो, और क्या पता ना हो। बट एनीवेज, क्या फ़र्क पड़ता है चौको में और इसमें, ये भी तो इतनी डेंजरस नहीं है। पर क्यों चौको की हालत इतनी अच्छी है और इसकी नहीं है? इसका आंसर है लव, प्यार, केयर जो चौको को मिलता है और मे बी इसको ना मिलता हो। जब हम किसी को प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सुंदर हो जाते हो, बहादुर हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी मुश्किलों में अकेले नहीं होते, क्योंकि आपको पता है समय आने पर आपके पास आपका सहारा है। यू हैव समवन हु हैज़ योर बैक। एक प्योर अनकंडीशनल लव आपको ताकत देता है और पर्सनल ग्रोथ कराता है। और खाएगा बच्चू, और खाएगा। उठी टी 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 उठी टी 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 ले। ले। यही प्यार पेप्सी को मिल जाता तो वो भी ऐसी ही अच्छा दिखती, सुंदर दिखती, उसे भी लोग उतना ही प्यार करते। यही सोचकर मैं 2 दिन पेप्सी से मिला, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया। ओए बुच्ची, अच्छा है बुच्ची। अरे रे रे, तू तो बहुत मैट हुआ पड़ा है। हाँ कुछ कुछ की इसकी हालत देखो, देख रहे हो, देखो किसको लग रहा है ये चौको से कम लग रहा है। ये देखो, सिट करो सिट करो सिट करो सिट करो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ब्लैक कलर का था, कितना अच्छा था। बुच्ची कुछ बुच्ची मुई बुच्ची। हाँ वेरी गुड। पूजा कुछ खाएगा, खाएगा बच्चू, खाएगा बच्चू। ले खाओ। बहुत सोच कर भी मैं उसे अपने साथ अपनी गली नहीं ले जा सकता था। रीज़न, बिच्छू गैंग उसके पीछे पड़ जाता, और दूसरा रीज़न, किसी एडल्ट डॉग को रिलोकेट करना उस डॉग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर डॉग की अपनी टेरिटरी होती है जहाँ वो कम्फर्टेबल होता है, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ आकर पेप्सी खुश रह पाएगी। सबसे अच्छा होता कि अगर धीरे धीरे पेप्सी की लुक्स, नेचर, एटीट्यूड
इतना अच्छा हो जाता कि अपनी कॉलोनी वाले उसकी केयर करने लग जाते। यही सोचकर मैं वहाँ से निकला, पेप्सी को बताकर कि मैं आऊँगा, मैं आता रहूँगा। मैं आऊँगा तेरे को लेने, ठीक है? क्या कर सकता हूँ वैसे मैं यहाँ से, बट स्टिल। पर फिर कोविड के केसेस बढ़ने लगे, फिर से लॉकडाउन हो गया, आना जाना बंद हो गया और हमारी पेप्सी की कहानी एक अधूरी कच्ची कहानी बनकर रह गई। लॉकडाउन और कोरोना के माहौल में ऐसी कई कहानियाँ होंगी जो आधी अधूरी कच्ची रह गई होंगी, बिल्कुल हमारी पेप्सी की कहानी की तरह। पर हमको होप है कि हर उस कहानी को एक अच्छी एंडिंग, एक अच्छे अंत, एक अच्छे कंक्लूजन तक रास्ता मिलेगा, कंक्लूजन जो वो डिज़र्व करती है।